राजनीतिक रूप से जो चर्चाएं चल रही हैं उसमें जो आने वाले 2024 और 25 के चुनाव हैं उसके लिए गेम को समझना होगा, और गेम समझिए में हम आपको वो तथ्य वो फैक्टर्स बताते हैं जो आने वाले चुनाव में प्रभावी होंगे और जिसके आधार पर आपको ये समझाने की कोशिश होगी कि आपका वोट कहाँ देना ठीक होगा। हर कोई अपने अपने हिसाब से ये बातें रखता है, लेकिन इस बार स्थितियाँ कुछ अलग है। इस बार स्थिति ये है कि जाति आधार तो हमेशा रहा है वोटिंग का, लेकिन अब धीरे धीरे जो एक नई पीढ़ी जो युवा हैं वो कुछ अलग सोचने लगे हैं, उनमें राष्ट्रभक्ति आई है, अपने क्षेत्र के प्रति अपने प्रति उनके सोच में बदलाव हुआ है और जाति आधार से ऊपर उठ करके उन्होंने कुछ किया है। लेकिन क्या राजनीतिक दल आपको उससे बाहर निकलने देंगे? एक बार फिर से जिस तरह से जातीय संगठन बनने लगे हैं और जाति के नाम पर अलग अलग खेमे में लोग बट गए हैं, वो साफ बता रहा है कि जातीय हांडी पर कहीं ना कहीं एक बार फिर से खिचड़ी पक रही है और ये तय करेगी कि आने वाले बिहार का सम्राट कौन होगा, देश का सम्राट कौन होगा। इन सारी चीज़ों की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि बिहार ने एक बार फिर से वो जातीय आधार सामने ला कर रख दिया है। पिछले काफ़ी दिनों से आप कुशवाहा और कुर्मी इन दोनों समाज के नेताओं को सबसे ज़्यादा चर्चा में देख रहे होंगे। इससे पहले चर्चा लालू प्रसाद जब सत्ता में थे तब हुआ करती थी यादवों की, ओबीसी का ये वोट बैंक कहीं ना कहीं एक खाने में अब तक चिपका हुआ था और जिसको लेकर के चर्चाएं तेज हो रही थी, और सबसे बड़ा वोट बैंक कहा जा रहा था कि लालू प्रसाद के पास है क्योंकि उनके साथ मुसलमानों का भी वोट मिल गया है। और इस दोनों को मिलाकर के MY समीकरण को जोड़ने की अगर बात की जाए तो MY समीकरण पूरी तरह से हावी हुआ करती थी और इसका फायदा लालू प्रसाद उठाते थे। यही कारण था कि कड़ी टक्कर के बावजूद नीतीश कुमार कभी संतुष्ट नहीं होते थे, भारतीय जनता पार्टी कभी संतुष्ट नहीं होती थी कि वो लालू प्रसाद को हरा देंगे। अब इन सारी बातों को लेकर के कुशवाहा समाज जो सामने आया है और सम्राट अशोक को लेकर के उन्हें अपना बताने की जो होड़ लगी हुई है, ये साफ बता रहा है कि इस बार की खिचड़ी जो है वो फिर से जातीय कटोरे में या जातीय हांडी में ही पकने वाली है। आपको बता दें कि सम्राट अशोक को लेकर के लगातार ये चर्चा चल रही है और इसके पीछे का कारण है कि जो वोट बैंक कुर्मी और कोयरी समाज का है उसे कैसे अपने पाले में किया जाए जो अब तक नीतीश कुमार के पास रहा है। कहा जाता है कि इसी वो वोट बैंक है, यही वो 12-13% का वोट बैंक है जो नीतीश कुमार को बिहार की सत्ता पर पिछले 18 वर्षों से काबिज रखे हुए है। एक तरफ जहां MY समीकरण बड़ी मजबूती के साथ सामने आता है, लेकिन ये जो वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व वाला वोट, अन्य जातियों का वोट, पिछड़े वर्ग में और अति पिछड़े वर्ग में जो जादवों से डर है या उसको छोड़ करके जो लोग हैं वो नीतीश कुमार के साथ खड़े हो जाते हैं, सवर्ण खड़े हो जाते हैं, और ऐसी स्थिति में लगातार लालू प्रसाद के वोट बैंक पर ग्रहण लग जाता है। लेकिन इस बार सबसे बड़ा जो युद्ध होने वाला है वो है कुर्मी और कोयरी वोट पर। इसको लेकर के सम्राट अशोक की जयंती मनाने की होड़ लगी हुई है। सबसे पहले इस होड़ में उपेंद्र कुशवाहा कूदे और 28 तारीख को उन्होंने जयंती मनाई। उसके बाद 29 तारीख को वो सासाराम में जयंती मनाते हैं, तो पटना में जनता दल यूनाइटेड भी अपना बताते हुए सम्राट अशोक को, सम्राट अशोक को इसलिए कि सम्राट अशोक चक्रवर्ती सम्राट थे और अगर चीज़ों की माने तो उनका साम्राज्य इतना बड़ा था, हम आपको आगे बताएंगे कि इतना बड़ा साम्राज्य था जिसको लेकर के दावा यह किया जा रहा है कि वो चक्रवर्ती थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जिस रास्ते पर निकल चुकी है, कभी आपने सुना होगा कि राम राज्य में भी अश्वमेघ का घोड़ा छोड़ा गया था जिससे कि ये पता चले कि चक्रवर्ती सम्राट हैं, तो वैसे ही सम्राट अशोक को भी चक्रवर्ती कहा जाता था और उनको अपना बताने की होड़ में लगातार जहां एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार की पार्टी तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी इस होड़ में शामिल हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार तो बड़ा फैसला लेते हुए सम्राट चौधरी को, जो कि उसी समाज से आते हैं, उन्हें बिहार का कमान दिया है और बिहार में उस वोट बैंक को अपने पाले में रखने के लिए उसने दो काम किए हैं। एक तो उपेंद्र कुशवाहा को अपने पाले में बताया है
और देर सवेर कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए का हिस्सा होंगे, तो वहीं सम्राट चौधरी को आगे करके भारतीय जनता पार्टी ने इस वोट बैंक पर अपनी पूरी तरह से पकड़ बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। अमित शाह आ रहे हैं और 2 तारीख को अमित शाह सम्राट अशोक की जयंती मनाने सासाराम में जाएंगे। सासाराम की घटना आपको पता है कि क्या कुछ हुआ था, लेकिन इसके साथ साथ जो होड़ लगी है उस होड़ की हम आपको बताते हैं कि अपना बनाने की होड़ में जहां एक तरफ सभी लग गए हैं, वहीं अब कहा यह जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल भी इस होड़ का हिस्सा होगी और वो भी किसी अपने ही कुशवाहा समाज के नेता को वहां बैठाने की कोशिश कर रही है, तैयारी शुरू कर चुकी है, जो बिहार को डील करेंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि भारत के इतिहास में मौर्य वंश के तीसरी पीढ़ी के शासक अशोक को चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता था, यानी कि चक्रवर्ती सम्राट वो जो कि कई राज्यों के राजा हुआ करते थे, कई राज्य उनके हिस्से में आते थे। इसके तहत मगध जो आधुनिक बिहार है, पाटलिपुत्रा जो आधुनिक पटना है, इसके साथ साथ हिंदू कुश दक्षिण के गोदावरी नदी, पूरब के बंगाल और पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान, बलूचिस्तान तक उनका साम्राज्य फैला हुआ था। इतने महान शासक की जाति को खोजने में अब बिहार सबसे आगे निकल गया है और इस होड़ में कहीं ना कहीं सम्राट अशोक को अपना बनाने की और उनके महानता को अपने आप में आत्मसात करने की पॉलिटिकल तैयारी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि इस पॉलिटिकल तैयारी में जहां सभी लगे हुए हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी सम्राट अशोक को कोयरी जाति का बताने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इसके बाद से तो नेताओं को महान शासक अशोक में गजब की प्रतिभा दिखने लगी और बिहार के मुख्यमंत्री ने तो पटना से लेकर नालंदा में कई शिलालेख और मूर्तियों का निर्माण करा डाला। ये नीतीश कुमार की शुरुआती थी और इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा इसको जैसे ही अपने हाथ में करना चाहे कि भारतीय जनता पार्टी भी रेडी हो गई। सम्राट अशोक के बहाने नीतीश के वोट बैंक पर, जैसा कि पहले भी हमने आपको बताया है, उसे अपने तरफ खींचने की तैयारी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता को उम्मीद है कि आज नहीं तो कल नीतीश कुमार का वो बेस वोट बैंक है वो उनके खाते में चला आएगा और उसे अपने खाते में कर लिया जाएगा। इसी वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। ऐसा अनुमान है कि राज्य में इनकी आबादी करीब 10% है जो अपने आप को सम्राट अशोक का वंशज मानते हैं। आरजेडी के यादव वोट बैंक जो 14% के आसपास है, उसके मुकाबले ये 10% का अगर आ जाता है तो हिंदुत्व के एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी अपना काम निकाल सकती है और नीतीश के वोट बैंक पर अपना अधिकार जमा सकती है। राजनीति में कहा जाता है कि परसेप्शन बहुत बड़ी चीज़ होती है और उसकी भूमिका धीरे धीरे ही सही लेकिन बड़ी मजबूत होती है। पिछले कई वर्षों से अशोक, सम्राट अशोक को कोयरी कुर्मी वोटर अपना मानते हैं और उनकी जयंती मनाना भी शुरू कर दिए हैं। अब बीजेपी का पूरा फोकस नीतीश के वोट बैंक पर है, लिहाजा उसने भी सम्राट अशोक को अपना बना दिया और खास करके सम्राट चौधरी को आगे करने के बाद तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस आपको नजर आ रहा होगा। मिशन शुरू हो चुका है, मिशन 2024 के से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए अब 2025 होने जा रहा है। 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है, तो वहीं हिंदी भाषी क्षेत्रों में चक्रवर्ती बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी का बिहार में अपने दम पर सरकार बनाना बहुत जरूरी नजर आ रहा है, क्योंकि आगे आने वाले कई वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता पर बने रहना चाहती है। उत्तर प्रदेश उसके कब्जे में आ गया है, अब बचा हुआ है बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी आपने देखा कि किस तरह से हुआ, वो तो भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार ने धोखा दे दिया, नहीं तो बिहार भी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अपने कब्जे में बिहार करना चाहती है। 2005 से 2013 तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तभी नरेंद्र मोदी के सामने आने के बाद नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया और यहाँ से शुरू हुई दोनों के बीच में अदावत। अब इस अदावत को कैसे अपने पक्ष में लाया जाए, इसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आपको बता दें कि अशोक की जाति के बारे में कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं, हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन उन्हें अपना मानने की जो होड़ है उस होड़ में देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार को कितना डैमेज कर पाती है भारतीय जनता पार्टी। हालांकि उसने योजना तो बहुत मजबूत बनाई है, लेकिन नीतीश कुमार को कमजोर समझना भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी भूल होगी। आपको बता दें कि लगातार हम इस बात को आपके सामने रख रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव की ताकत है, उनका महिला वोटर है और इसके साथ साथ
अभी भी कुर्मी और कोयरी समाज के लोग उनको अपना नेता मानते हैं। लेकिन इसमें सेंधमारी करने के लिए जहां एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ रख करके भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा टक्कर दिया है और कोयरी समाज को अपने तरफ करने का पूरा पूरा प्लान बना लिया है, तो वहीं सम्राट चौधरी के हाथ में कमान दे करके भारतीय जनता पार्टी में ने रहा सहा कसर भी दूर कर लिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार और उनकी टीम, जिसमें तेजस्वी यादव भी हैं, इस पूरे खेल में अपने आप को कैसे भारतीय जनता पार्टी से ऊपर रख सकते हैं और ये जो काठ की हाँड़ी में जातीय सियासत पक रही है वो किस करवट बैठती है और इसका फायदा किसको मिलता है, कौन होता है इस खिचड़ी का प्रसाद खाने वाला अगला सम्राट। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, ऐसे ही खबरें हम लगातार आपको देते रहेंगे और बिहार की राजनीति से होने वाले हर बवंडर सुनामी और परिवर्तन को आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।